बायोलॉजी का लेसन 9 अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, आज इस वीडियो में अपने उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस लेसन में अपने लास्ट वीडियो में क्या एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम किसे कहते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइमों की संरचना किस प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें क्या एप्रोटीन भाग होता है और प्रोटीन वाला भाग दो भाग होते हैं। तो प्रोटीन और एप्रोटीन भाग जब दोनों जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के एंजाइम होलो एंजाइम कहलाते हैं। जो इसका प्रोटीन वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है। तो प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है और जो एप्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सहकारक या कोफैक्टर कहा जाता है। तो अपने इन दोनों के बारे में पढ़ा था, एपो एंजाइम और जो सहकारक थे होलो एंजाइम के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने एंजाइमों के जो विशेष गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइमों के विशिष्ट गुण, एंजाइमों के विशिष्ट गुण में सबसे पहले एंजाइमों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो आपने देखा एंजाइमों की प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। फिर सेकंड एस्मान इसमें क्या, इनमें प्रोटीन के फिर कभी कभी अकार्बनिक और कार्बनिक परमाणु या आयन भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक आयन भी, कार्बनिक व अकार्बनिक आयन भी उपस्थित होते हैं। ये इसका दूसरा विशिष्ट गुण है। अब एंजाइमों का जो अगला विशिष्ट गुण है वो कौन सा है, सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता रखते हैं। सभी एंजाइम अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता रखते हैं, विशिष्टता रखते हैं, यानी अभिक्रिया करने के लिए विशेष गुण पाए जाते हैं एंजाइमों में। एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम क्या होते हैं, एक से अधिक अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित करते हैं। कुछ एंजाइम एक ही अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, कुछ एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, वह कुछ एंजाइम एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित करते हैं। कुछ एंजाइम अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को भी अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित करते हैं, को भी उत्प्रेरित करते हैं। तो ये एंजाइमों का अगला गुण है, यानी एंजाइम होते हैं वो क्या, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया ही उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं वो दो या दो से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को भी उत्प्रेरित कर सकते हैं। एंजाइम विशेषता कितने, 4 प्रकार की होती है।
विशिष्टता, त्रिविम विशिष्टता। तो ये विशेष प्रकार के एंजाइमों के चार गुण हैं, जिसमें निरपेक्ष विशिष्टता, समूह विशिष्टता, बंध विशिष्टता और त्रिविम विशिष्टता के गुण हैं। तो हमें इनके बारे में देखेंगे कि निरपेक्ष विशिष्टता क्या है, इसके बाद में अपने समूह विशिष्टता क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक बंध की
पहचान करके इस पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं, पहचान करके क्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा पीरिमिडिन क्षार के, जैसे कौन सा एंजाइम? राइबोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम। राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, कौन से बंध पर क्रिया करता है? पिरिमिडीन क्षारक के 3' सिरे पर ही एंजाइम, पिरिमिडीन क्षारक के 3' सिरे पर, जो आपने प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारकों के बारे में पढ़ा है, तो पिरिमिडीन क्षारक होगा उसके 3' सिरे पर ही फास्फोडाइल एस्टर बंध का छल्ल अपघटन करता है। सिरे पर फास्फोडाइल एस्टर बंध का छल्ल अपघटन करता है, फास्फोडाइल एस्टर बंध का जल अपघटन करता है। तो ये कौन से बंध विशेषता एंजाइम है, यानी जो विशेष प्रकार का बंध होगा उसी का अपघटन करने का या उसी पर ही क्रियाशील करने का कार्य करते हैं। फिर आगे है त्रिविम विशेषता। तो त्रिविम विशेषता में आपने क्या नोट करना है, कुछ एंजाइम क्रियाधारों के केवल क्रियाकारकों के, जो क्रियाकारक होते हैं उनके विशेष प्रकार के त्रिविम समूह होते हैं या समामी भी होते हैं। कुछ एंजाइम क्रियाकारकों के केवल विशेष प्रकार के त्रिविम समूहों पर ही क्रिया करते हैं, क्रियाकारकों के विशेष प्रकार के समावयवी, जो समावयव होते हैं उन्हीं पर क्रिया करते हैं, पर ही क्रिया करते हैं। तो त्रिविम समावयवों पर क्रिया करने वाले एंजाइम त्रिविम विशिष्ट एंजाइम कहलाते हैं। इसका उदाहरण, ये दूसरों पर क्रिया नहीं करते, दूसरे रूपों पर नहीं, ये दूसरे रूपों पर क्रिया नहीं करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या नोट करेंगे अपने, ऑक्सीडेज के अमीनो अम्ल द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं का प्रेरण, जैसे अमीनो अम्ल के, जो अमीनो अम्ल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेज के एल अमीनो अम्ल द्वारा, ऑक्सीडेज के एल अमीनो अम्ल, ऑक्सीडेज के एल अमीनो अम्ल द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को ही, होने वाली
अभिक्रिया को ही प्रेरित करते हैं, डीप अमीनो अम्ल पर नहीं, विक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं, ये डी अमीनो अम्ल पर क्रिया नहीं करते, ये डी अमीनो अम्ल पर क्रिया नहीं करते हैं। ये जो विशेष प्रकार का गुण है एंजाइमों का, जिसे विशिष्टता बोला जाता है, तो चार प्रकार की थी, निरपेक्ष विशिष्टता, दूसरी थी समूह विशिष्टता, फिर बंध विशिष्टता, और इसके बाद में त्रिविम विशिष्टता, जो विशेष प्रकार के समूहों पर या क्रियाकारकों पर ही क्रिया करते हैं। इसके बाद में एंजाइमों का जो अपने अगला गुण था, ये कौन सा गुण था? तीन नंबर गुण था जिसमें विशिष्टता थी। चार नंबर गुण है एंजाइमों का, एंजाइम का अधिकांश भाग प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है तथा प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति के होने के कारण अम्ल और क्षार दोनों से ही क्रिया करते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होने के कारण ये अम्लों व क्षारों के क्रियाकारकों पर क्रिया करते हैं, क्षारों के क्रियाकारकों पर क्रिया करते हैं। ये इसका अगला विशेष गुण है एंजाइम का। इसके बारे में एंजाइमों के अन्य क्या गुण है? एंजाइम की क्रियाशीलता तापमान, पीएच और क्रिया दर की सांद्रता पर निर्भर करती है। एंजाइमों की क्रियाशीलता पदार्थ का तापमान, पीएच बैक्टीरिया द्रव की सांद्रता पर निर्भर करती है, बैक्टीरिया द्रव की सांद्रता पर, क्रिया द्रव की सांद्रता पर निर्भर करती है। यह है एंजाइमों की क्रियाशीलता का विशेष गुण, जिसमें ये तापमान, पीएच और सांद्रता को भी सांद्रता के भी आधार पर क्रिया करते हैं। एंजाइमों की प्रकृति प्रोटीन होने के कारण ये उच्च ताप पर इनकी उत्प्रेरण क्षमता समाप्त हो जाती है। उच्च ताप पर एंजाइमों की उत्प्रेरण क्षमता समाप्त हो जाती है। इसमें आपने नोट करना है, उच्च ताप पर एंजाइमों की उत्प्रेरण क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रेरण क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एंजाइमों की क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा कम या रोका जा सकता है। एंजाइमों की क्रियाशीलता को रसायनों द्वारा रोका जा सकता है। एंजाइमों की क्रियाशीलता को रसायनों द्वारा कम या रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, या तो अपने एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम करना है तो कुछ रसायन डालकर एंजाइमों की क्रियाशीलता को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने यदि एंजाइमों की क्रियाशीलता को रोकना चाहते हैं या एंजाइमों की क्रियाशीलता को रोका भी जा सकता है, क्रियाशीलता को
रखते हैं। ये एंजाइमों के विशिष्ट गुण थे, तो जिसे हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बाद जो नया टॉपिक है एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइमों की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं।